साल 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन स्थापित हो गया। तालिबान ने अपना शासन स्थापित करते वक्त कहा था कि वो बदला हुआ तालिबान है, वो पहले वाला तालिबान नहीं है। इस बार महिलाओं को उनके हक दिए जाएंगे, यानी उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये बदले तालिबान की बात सिर्फ एक जुमला निकली और धीरे धीरे तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और महिलाओं की शिक्षा, खेलकूद और घूमने फिरने जैसी हर चीज पर बैन लगा दिया, जिसको लेकर दुनिया भर में कई बार आवाज उठाई गई और एक बार फिर इस पर आवाज उठ रही है। और ये आवाज क्रिकेट की दुनिया से उठी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ होने वाली 3 मैचों की सीरीज जो यूएई में होनी थी उसे खेलने से मना कर दिया है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार से परामर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि वह इस सीरीज में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि तालिबान द्वारा महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों, पार्क और जिम जाने पर प्रतिबंध की हालिया घोषणा की है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले को अफगान तेज गेंदबाज नवीन उल हक मुरीद ने बचकाना बताया और ऑस्ट्रेलिया पर अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे बेहद निराशाजनक और दयनीय कदम कहा और कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से शिकायत करेंगे। जाहिर तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का निर्णय अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही विवादास्पद है, क्योंकि कुछ मानवाधिकार संगठन स्पष्ट रूप से इस कदम का समर्थन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बाद ह्यूमन राइट वॉच की तरफ से भी ICC से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बैन लगाने की मांग कही गई। ह्यूमन राइट वॉच के निदेशक मिंकी वार्डन ने कहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से तब तक के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि अफगानिस्तान महिलाओं और लड़कियों को देश में शिक्षा और खेल में भाग लेने की अनुमति नहीं दे दी थी। ह्यूमन राइट वॉच ने इस पर आह्वान करने का कारण तालिबान का महिलाओं को लेकर लिए गए हालिया फैसलों को बताया है। इससे पहले भी ह्यूमन राइट वॉच ने पिछले साल दिसंबर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से भी अफगानिस्तान पर बैन लगाने की बात कही थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।